वेलकम टू ओसन क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए स्वेटर है जिसका फुल, देखिए ये फुल शोल्डर है, उसके साथ ये हुड, देखिए बहुत ही खूबसूरत हुड, बहुत जनों की फरमाइश थी ये हुड इस तरह से कैसे बनाते हैं। इसका शेप देखिए बहुत ही सुंदर राउंड वाला, ये किस तरह से बनाए, तो ये हुड मैंने किस तरह से बनाया है इसका अभी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। देखिए स्वेटर की बैक और ये जो फ्रंट पहले बना लेंगे, यहाँ से नेक नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से मैं फंदे उठा निकाल लूँगी। देखिए दोनों पोर्शन से जॉइंट करके फंदे निकालने के बाद ये हुड बनाएंगे। तो मैंने तो यहाँ देखिए 2x2 में बॉर्डर डाला है, और इसका हुड का जो इंक्रीजिंग सिस्टम होता है तो देखिए इस तरह से साइड से, तो ये कैसे बढ़ाएंगे और इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए आपको अभी बना के दिखाते हैं। ये उस हुड का ये देखिए दोनों तरफ ही एक ही सेम पैटर्न है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सबको इस तरह से एक निडल में डाल लिया है। अभी डाल के देखिए मैं इसे टोपी बनाऊंगी, इसलिए आपको क्या करना है, ये जो मिडिल में फ्रंट का पार्ट को मैं डिवीज़न कर लिया मिडिल से, देखिए मिडिल में डिवीज़न करके यहाँ से पूरा बनाऊंगी, बट जॉइन नहीं करूँगी, फिर बैक करके बनाऊंगी जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे बनाऊंगी। और ये दो साइड में देखिए, ये दो साइड में मैं पांच पांच करके फंदा सिर्फ सीधा बुनूंगी बॉर्डर के लिए, उसके बाद दो सीधा दो उल्टा, देखिए इस तरह से। देखिए पाइप फंदा सीधा, ये फाइव फंदा मैं हर रो में सीधा बनाऊंगी, उसके बाद देखिए दो सीधा, दो उल्टा, इस तरह से ये पूरा बनाएंगे 1.5 इंच के आसपास में, इस तरह से मैं बनाऊंगी। ये 1 इंच के आसपास देखिए हमने बना लिए हैं दो सीधा दो उल्टा। अभी देखिए जो हुड हो रहा है इसका जो फिनिशिंग है वो बनाएंगे, मतलब हुड बनाने के लिए जो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा फंदे चाहिए, इतने में आपका बच्चे का हुड नहीं बनेगा, बच्चे का ये बड़ों का है यही पैटर्न है, आपको गले के बाद हुड के लिए फंदा इंक्रीज करना होता है। तो फंदा इंक्रीज का सिस्टम क्या है पहले ही बता दूँ फ्रेंड, ये जो शोल्डर है कंधा है, देखिए यहाँ पर जो दो शोल्डर है, शोल्डर के बीचों बीच दो साइड से हम हुड के लिए फंदा इंक्रीज करेंगे, तो ये रिब बॉर्डर के ऊपर है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रख के बनाना होगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए पहले मैं मार्कर लगा दूंगी यहाँ पर, ये जो देखिए इसका जो शोल्डर है कंधा है यहाँ का, ये जो मिडिल है यहाँ पर मैं हुड डालूंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर छोटे से उल से मार्क बना दूंगी ताकि ये रह जाए एकदम, बाद में इसे खोलूंगी, अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इस साइड का भी शोल्डर यहाँ पर, ये जो दो उल्टा है इसके बीचों बीच मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये दो के बीचों बीच मुझे हर बार फंदा इंक्रीज करना है। तो इसका सिस्टम जो आपको मैं बता दूँ किस तरह से, ये देखिए शोल्डर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर फंदे इंक्रीज करूँगी, मैंने 1 इंच तक बना लिए हैं, इसका देखिए शेप इस तरह से आएगा। अभी ये हुड हमें बनाना है, तो इसके लिए मुझे फंदा इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करते हुए मैं यहाँ पर 2 इंच तक बनाऊँगी,
दो तो नहीं, 1.5 इंच तक तो बनाना ही होगा। हाँ 1.5 इंच, 2 इंच के आसपास बना लूँगी। तो इसके लिए मुझे, मैं कैसे फंदा इंक्रीज़ करूँगी, मुझे फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे फंदा, देखिए आपका ये 2, ऐसे 2 2 करके आपका ये सीधी रॉ चल रही है, ठीक है। और इस तरह से चल रही है आपका उल्टा रॉ चल रही है, ये सीधा, ये आपका सीधा और ये उल्टा, और देखिए ये सीधा, मैंने 2 × 2 में बॉर्डर डाले हैं। तो ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये यहाँ पर मिडिल में हमारा जो ये उल्टा है, उल्टे के बीचों बीच से मैं फंदा इंक्रीज़ करना शुरू करूँगी। मतलब मैं जब फर्स्ट रॉ में जब फंदा इंक्रीज़ करूँगी नेक्स्ट रॉ में, तो मैं क्या क्या बनाऊँगी, देखिए 2 सीधा बना लूँगी, 1 उल्टा बनाऊँगी, उसके बाद 1 मैं सीधे बना लूँगी, मिडिल में 1 सीधा फंदा इंक्रीज़, ये फंदा इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद 1 उल्टा बनाऊँगी, उसके बाद 1 सीधा 1 उल्टा। जब बैक होगा तब मैं उस रॉ में जो जैसा है उस तरह से बनाऊँगी, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट रॉ में, इस रॉ में बढ़ाया, ये रो ऐसे चलेगी, इस रो में फिर मैं फंदा इंक्रीज़ करूँगी। ये प्लेन गई, यहाँ पे इंक्रीज़ किया, यहाँ पे इंक्रीज़ किया, करेंगे किस तरह से, देखिए ये सीधा, ये सीधा, और 1 उल्टा है, ये जो 1 सीधा था इसे अभी 2 सीधा बनाएंगे, इस तरह से 2 सीधा, फिर 1 उल्टा, फिर 1 सीधा, 1 सीधा बन गया। फिर जो नेक्स्ट रो है वो ऐसे ही सादी जाएगी, उसके बाद ऐसी सादी, उसके बाद नेक्स्ट रो में जब रो में फिर से इंक्रीज़ करेंगे किस तरह से, देखिए 2 सीधी 1 उल्टी, 1 उल्टे के पास और 1 मैं उल्टा बनाऊंगी, ठीक है। 2 सीधा तो ऑलरेडी है और 1 उल्टा रह जाता है, फिर 2 सीधा, फिर ऐसी सादी जाएगी। फिर नेक्स्ट रो में क्या बनाएंगे, देखिए 2 सीधा 2 उल्टा बन चुका है, 2 सीधा भी ऑलरेडी है, 1 उल्टा है, यहाँ पर मैं और 1 उल्टा डाल लूँगी, ये जो 2 सीधा, देखिए टोटल यहाँ पर मैंने देखिए 4 फंदे इंक्रीज़ किया है, ठीक है। इस तरह से इस साइड में 4, इस साइड में 4 फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी, तो ये एक साइड का हुआ। तो इस तरह से मैं 4 4 8 फंदा इंक्रीज़ करने से नहीं होता, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके मिडिल से फिर से मैं 2 उल्टा फंदा बनाऊँगी। मतलब नेक्स्ट रो सीधी बनाने के बाद जब देखिए इस तरह से बन जाएंगे, फिर मैं मिडिल से, इसका मिडिल से मैं 2 फंदा इंक्रीज करूंगी, इसका मिडिल से मैं 1 उल्टा बनाऊंगी, उसके बाद 2 उल्टा बना लूंगी, ठीक है। और ये एक, ये उल्टा रहता है, 1 रहता है। नेक्स्ट रो में मुझे क्या करना है, देखिए नेक्स्ट रो में मैं 2 1 सीधा बना लूँगी, 2 उल्टा ऑलरेडी है, 1 सीधा रहता है, सादी बनाने के बाद फिर 1 रो में मैं 2 सीधा बना लूँगी। इस तरह से देखिए टोटल हमें जितना फंदा बढ़ाना चाहिए तो हम बढ़ा लेंगे। तो मैं करीबन आसपास यहाँ पर मैं इस साइड में मुझे 8 फंदा और इस साइड में 8 फंदा इंक्रीज़ करना है, टोटल मैं 16 फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी, ठीक है। तो ये जैसा भी है यहाँ पर मैं टोटल 16 फंदा इन 2 साइड में मैं 8 8 करके 2 साइड में 16 फंदा इंक्रीज़ करूँगी। तो इसके लिए मुझे शायद करीबन 2 इंच के बराबर इससे बुनाई करना होगा, तो मैं 2 इंच के बराबर इससे बुनाई करना कर लूँगी, अगर उससे ज़्यादा हुए तो भी करूँगी। बट 16 फंदे इंक्रीज़ हो जाने के बाद फ्रेंड, जब 16 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे तब मैं इसे इंक्रीज़ करना बंद कर दूँगी, तब मैं ऐसे ही बुनूँगी उसको, ऐसे ही बनाते हुए बच्चे की हेड की बराबर मैं उसे नाप लूँगी कितना आता है। तो ठीक है, इस तरह से मैं फर्स्ट आपको दिखा दूँ इसका, ये सिस्टम फॉलो करके मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट 1 इंक्रीज़ करके दिखा दूँ, देखिए ये 5 फंदे मैंने सीधे रखे थे, सीधे बनाऊंगी, पांच फंदे सीधे बनाए, इसके बाद 2 सीधा 2 उल्टा करके बनाऊंगी,
दो सीधा, दो उल्टा। मैंने जिस तरह का आपको बताया, जिस तरह से बनाने का सिस्टम आपको, उस तरह से इस स्वेटर में बनाना इसलिए होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल स्वेटर है, आप इसे दोनों तरफ ही बच्चे को पहना सकते हो, इसलिए ये इसका अलग मेथड है। और इसे रीप ही डालना होगा। अगर आप इसे, इसका हुडा अगर सीधे बनाओगे, सीधे उल्टे में बनाओगे, तो आपका फ्रंट और बैक आ जाएगा, इसलिए आपको इसे ऐसे ही बनाना है। देखिए, दो सीधे के आसपास हम आ गए। देखिए यहाँ पर मेरा मार्कर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगी, एक सीधा, देखिए मार्कर है मिडिल में, दो सीधे के एक सीधा बना लूँगी। यहाँ पर मैं एक फंदा इस तरह से निकाल के एक उल्टा फंदा लूँगी, मतलब यहाँ पे मैं एक फंदे इंक्रीज कर रही हूँ और एक फंदा नए से, देखिए इसे उल्टा बनाया, ठीक है। अभी एक सीधा, देखिए ये दो उल्टा, उसके बाद एक सीधा बना के एक उल्टा बनाया, एक सीधा बनाया। तो हमें यहाँ से इंक्रीज किस तरह से होगा, ये जो तीन, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा है, इसे हम क्या करेंगे, एंड तक दो सीधा दो उल्टा दो सीधा, जब तक ना बन जाए तब तक हम बनाते रहेंगे। इस तरह से फंदा इंक्रीज करने का ये फंडा है। सेम मैं इस साइड में भी सेम उस तरह से करूँगी, यहाँ पर भी दो सीधे के अंदर है तो दो सीधे के अंदर उल्टा आता है, उल्टा बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह से मैं 16 फंदा, देखिए इस तरह से मैं 16 फंदा बढ़ा लूँगी, उसके बाद आपको इसका कितना बढ़ाएंगे, कितना लंबा होगा और कैसे इसका हुड बंद करेंगे आपको दिखाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप इंक्रीज करते हुए 16 फंदा इंक्रीज कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कंधों से, देखिए इस तरह से जो मैंने सिस्टम बताया था, देखिए उस हिसाब से ये बढ़ के तैयार हुआ है। तो यहाँ से मैंने देखिए करीबन 9 इंच के आसपास बना लिया है। अभी मैं इसका ये जो हुड है, हुड जो बनाया है, इसका हुड बंद करूँगी। तो इसका हुड बंद करने का तरीका देखिए, पहले आपके पास जितने फंदे हैं, उस जितने फंदे हैं पहले आप उसको डिवीज़न कर लीजिए। देखिए पहले मैं डिवीज़न कर लूँगी, मेरे पास यहाँ पर 90 फंदे हैं। तो बनाने का तरीका मैं इस तरह से बनाऊँगी, देखिए ये 90 फंदे को मैं मिडिल में, मैं 20 फंदे रखूँगी, ठीक है। मिडिल में 20 फंदे रखूँगी तो दो साइड में कितने करके आएगा हमारा, अगर दो साइड में मैं मिडिल में 20 लेके दो साइड में मैं 35 35 करके फंदे लूँगी। तो पहले 35 फंदे मैं यहाँ से देखिए यहाँ तक बना लूँगी, ये मैं थोड़ा इस निडिल से मैं इससे बनाऊँगी, इससे भी आसानी से आ जाएगा ये। देखिए पहले मैं ये 35 फंदे यहाँ तक बना लूँगी, इस साइड में मैंने 35 फंदे लिए हैं। अब मिडिल में से मैं और एक और 5 फंदे लूँगी, एक दो ये तीन चार और ये 5, टोटल हो गए 40 फंदे। अभी देखिए इसके बाद मैं 10 फंदे ऐसे बना लूँगी, एक चालीस फंदे, ये 40 में से 39 39 फंदे मैं बनाऊँगी। उसके बाद देखिए दो फंदे इस तरह से इकट्ठा उल्टा बुनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक हुआ, अभी 10 फंदे बनाऊंगी, एक दो तीन
चार पाँच छः सात आठ नौ, ये 10 जो है, 10 और इसका ये 10 और इसके साथ ये मैं इकट्ठा बनाऊंगी, 10 फंदे टोटल दोनों साइड में 39 रहा है। अभी देखिए इस तरह से घूम जाएंगे, ये 10 फंदे मैं बनाऊंगी उसके साथ। देखिए दोनों साइड में 39 है, यहाँ से मैं एक एक फंदे इसके साथ बनाते जाऊंगी। मतलब अभी देखिए दोरा सीधा दोरा उल्टा बनाऊंगी। अभी देखिए सीधा बनाएंगे, पहले वाला उतारा, इसके बाद देखिए 3 4 5 6 जो जिस तरह से है उसे हमें उस तरह से ही बनाना है। मतलब देखिए ये दो फंदा सीधा है, दो सीधा बनाया, तीन ये दो फंदे उल्टे हैं, चार पाँच छः सात ये आठ नौ, ये देखिए 10, ये 10 के साथ मैं एक बनाऊंगी। अभी ये सीधा है देखिए, इसलिए पीछे से जब सीधे में आएगा तब आप पीछे से बनाइए, 10 हुआ। अब इस तरह से इधर घुमा लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद देखिए जो जैसे है 10 फंदे ऐसे बनाएंगे, एक ये एक उतारा और एक दो तीन चार ये पांच छः सात ये उल्टा दो आठ नौ। अभी देखिए 10 के साथ ये 10 फंदे मैं अभी बना लूंगी, उल्टा बनाया, इसके बाद ये 11 जो फंदे हैं इस फंदे को मुझे लेना है, इसके साथ मैं इसको लूँगी। मतलब 11 और 12 दोनों इकट्ठा लिया, ठीक है। मतलब 10 में से ये 10 यहाँ पर ली थी हमने, एक एक फंदे फंदे अब बढ़ेंगे। देखिए 11 बन गया, वैसे घुमा लेंगे, एक फंदा उतारा, देखिए एक दो ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये 10, अब इसके साथ एक लेंगे 11, ये उल्टा है 11, ये 11 के साथ इसको भी लेंगे, 11 और 12 इकट्ठा। मतलब यहाँ पर हमारा 11 और 1 12, मतलब 12 फंदे हो गए टोटल। टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे, यहाँ पर मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक मैं 20 फंदे लाऊंगी और इस साइड का एक एक इस तरह से घटाते हुए जाऊंगी। 20 फंदे मुझे लाना है तभी एक राउंड शेप आएगा हुड में। देखिए एक फंदा उतारा, ये उल्टा है, इस तरह से बनाएंगे दो तीन चार पाँच छः ये सात आठ नौ 10 ये 11 और ये 12, 12 फंदा बनाया। अभी देखिए ये दो फंदे लेंगे 13 आएगा, 13 और 14 को एक साथ लेंगे, ये 13 हो गया, ठीक है। मिडिल में जो देखिए 13 फंदे हैं, फंदा उतारा, अभी दो दो उल्टा है, एक ये एक उतारा, एक दो हुआ, ये तीन, टोटल 13 है, इसे 14 बनाएंगे,
चार, पांच, छः, सात, ये आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये 12, 13, 13 है, अभी 14 फंदा लेना है। देखिए ये दोनों को इकट्ठा बनाएंगे, हो गया 14, एक फंदा इधर आ गया 14। इस 14 फंदे को देखिए इस साइड में लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ये 14 है। अभी दोनों इकट्ठा इस साइड से लेंगे एक साथ, ये हो गया 15। मिडिल में देखिए 15 फंदे आ गए, इसे हमें 20 बनाने हैं। एक उतारा, एक सीधा, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, 14, ये 15। अभी देखिए दोनों इकट्ठा, ये उल्टा है इसलिए उल्टा ले रहे हैं, दो उल्टे बनाने हैं, ये 16 हो गए। देखिए दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए जा रहे हैं, ऐसे घुमा लेंगे, दो सीधे आगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, 14, ये 15, ये 16 था। अभी देखिए 17, 17 जो सीधा आएगा, इकट्ठा दोनों लेंगे, ये 17 फंदे, ठीक है, 17 फंदे आ गए। अभी इस साइड में करेंगे, ये 17 हो गया। अभी इस साइड का एक लेंगे, तो उसके बाद 18 होगा, उसके बाद यहाँ से एक लेंगे 19, वहाँ से एक लेंगे 20। 20 फंदे हो जाने तक आप इस तरह से बनाइए, उसके बाद दिखाते हैं, पहले हम 20 फंदे बना लें। ये देखिए 19 हुआ, 18 हो गया था, अभी 19 हुआ। अभी इस साइड में आएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। देखिए टोटल यहाँ पर 20 फंदे हो गए। अभी हमें क्या करना है, 20 फंदे हो जाने के बाद जो जैसे है उसे ऐसे बनाएंगे, अभी 20 फंदे में से देखिए पहले मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18, ये 19, 19 के साथ ये जो 20 है, 20 के साथ मैं इस साइड का ही लूँगा, ये सीधा है इसलिए मैं इस तरह से सीधा बनाऊँगी, ठीक है। ये 20 था, 20 ही रहेगा, अभी हमारा ज़्यादा नहीं होगा। इस साइड में भी मैं इस तरह से करूँगी, एक उतार के, ये उल्टा है उल्टा बनाऊँगी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये 11, 12, 13, 14, ये 15,
16, 17, 18, ये देखिए ये 19 हुआ। इसके साथ में ये 20 नहीं बुनूंगी, 20 के साथ में इस साइड का लूंगा, ये सीधा है इसलिए पीछे से देखिए इसका सीधा ले, मतलब ये 20 रहेगा मिडिल में, ठीक है। और हर बार जब जाएंगे हम, देखिए ये राउंड शेप आ गया है, अभी हर बार जो जाएंगे एक एक करके इसके साथ ले लेंगे, तो दोनों साइड में ऐसे बंद करते हुए यहाँ तक हम आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको दिखा दे फ्रेंड्स किस तरह से होगा। ये इस नीडल में है इसलिए मैं दिखा सकती हूँ आपको, देखिए इस तरह से बंद होते होते आपका जो है कि यहाँ से बंद होगा, देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये बंद करते हुए हुए मैं ये जो शेड होगा और ये यहाँ पर ज्वाइन होगा, इस तरह से इसका हुड बंद हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 20 में मिडिल में 20 ही रहेगा। आप हर बार बनाते हुए इस साइड से एक, इस साइड से एक बनाते बनाते इसके इसको बंद करते जाइए। पहले इस 20 को 19 बनाएंगे और 20 के साथ 2, 3, 4 ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 15, 16 ये 17, 18 अभी देखिए ये 19 और इसके साथ ये जो 20 है इसके साथ हम इस साइड का एक ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया 20। इस तरह से मैं बनाते हुए यहाँ तक पूरा यहाँ तक आ जाएंगे, एक 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 करके लेते हुए। और आपका जो ये हुड है देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से सुंदर से बंद होती होती दो साइड से आप देख सकते हैं सुंदर से बंद होते जाएंगे। देखिए दोनों साइड में एकदम बराबर दिखने में एक ही होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल है, देखिए इस तरह से बंद होता जाएगा। तो चलिए बंद कर लेते हैं, देखिए इस तरह से बंद करते करते गई। बट देखिए यहाँ पर ये जो री बॉर्डर, देखिए मैंने जो ये गार्डर बॉर्डर डाले थे 5 का दो साइड में, वही नहीं बुना। इस साइड का ये 5 है, मिडिल में हमारा 20 है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए ये जो बॉर्डर बनाते हुए जाना है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ तक आ गए, देखिए इस बॉर्डर को बुनते हुए जाना है मुझे। इस तरह से अभी ठीक है, इस बॉर्डर को सिर्फ बुनेंगे, इस तरह घुमा लीजिए, देखिए 1, 2 ये 3, 4 ये 5, 5 मेरा बॉर्डर है, तो 5 नहीं बुनेंगे, मैं 4 फंदा बुनूंगी, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ का सब फंदे मैं एक एक करके बंद करती जाऊंगी, ये 5 के साथ ये दूसरा ले लूंगी, कंप्लीट हो गया। घूम जाएंगे इधर, एक उतारा, 1, 2, 3, 4 ये 5, फिर घुमा लिया, इस पहले वाला तो उतार लेंगे, 2, 3, 4 4 फंदा बनाया, ये 5 के साथ ये लास्ट इस साइड का ये फंदा लेंगे। इस तरह से मिडिल का जो 20 फंदा है मैं बंद करते हुए जाऊंगी। आप चाहो तो ये पहले वाला बुन सकते हो, 3, 4 ये 5, देखिए पहले वाला उतार लूंगी इस तरह से,
इस साइड से लेना होगा, तभी ये जो लेनी है तब आएगा। तीन चार, ये पांच वाला और इसके साथ ये हो गया। अब इस तरह से घूम जाएंगे, एक दो तीन चार, ये पांच बनाया, फिर घुमा लिया, स्टिच एक उतारा, दो तीन चार, अभी इसके साथ इसे बनाया, ये पांच फंदे, ठीक है। फिर साइड से घूम जाएंगे इस तरह से, और ये पहला वाला बुनेंगे नहीं, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, एक दो तीन चार, एक तो उतार लिया था, उसको लेके पांच। हर बार इसको पीछे करेंगे, एक उतारा, दो तीन चार, ये पांच इसके साथ इस बीस का लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं बनाते हुए ये जो पूरा यहाँ पर देख रहे हैं 20 फंदे बंद करते जाएंगे, और देखिए ये जो रीफ है इसके साथ इस तरह से आता जाएगा, यहाँ तक बना ले। इधर साइड का ये पांच फंदा देखिए है, इस साइड का पांच फंदा छोड़ के मैं यहाँ तक ये बनाते बनाते हुए आऊँगी, उसके बाद इस साइड का पांच फंदा मैं कैसे बनाऊँगी दिखाते हैं। पहले यहाँ तक बना लेंगे, और आपको याद रखना होगा जब इस तरह से घुमा लेंगे तो ये पहला वाला मैं बिना बुने ही उतार लूँगी, नहीं तो आपका यहाँ पर थोड़ा होल बन जाएगा, इसलिए आप ये पहला वाला और ये लास्ट वाला जब बैक करेंगे बिना बुने उतारेंगे, मतलब सिर्फ एज स्टिच की तरह इस तरह से निकाल लेंगे, दो तीन, ये चार बनाएंगे, ये पांच के साथ इसे बैक से बना लेंगे, ठीक है। ये पांच इस तरह से पूरा 20 फंदे ये पांच छोड़ के यहाँ तक बना लें। देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर 5-5 है, तो इन दोनों को इकट्ठा बंद करूँगी, जिस तरह से शोल्डर बंद करते हैं उस तरह से मैं ये बंद कर लूँगी। जैसे शोल्डर बंद करते हैं, देखिए इस साइड का एक साइड का एक, देखिए दोनों इकट्ठा गिरा दिया, जिस तरह से शोल्डर बंद करते हैं उस तरह से ये बंद करेंगे। फिर से देखिए ये दोनों दोनों इकट्ठा बंद करके इसके ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बंद कर देंगे फाइव को, देखिए इस तरह से बंद कर दी, देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों साइड में, देखिए एकदम बराबर से, देखिए इसका ये हुड बनके तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही सुंदर हुड बनके तैयार हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।